यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। सेट एमआर जयपुरिया स्कूल महमूदाबाद नरसी से कक्षा 12 तक सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। सुनहरे एवं प्रतियोगी भविष्य की ओर बढ़ते कदम, सपनों को साकार करने का संकल्प। 31 जुलाई 2023 तक एडमिशन शुल्क पूर्णतया माफ। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूली बच्चों के लिए ड्रेस बैग आदि के लिए जारी किए 2300 करोड़ रुपए। फिर बात होगी विवाहित पुत्री को मृतक आश्रित नियुक्त के हक को लेकर हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले पर, और बात होगी मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन द्वारा सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों पर उठाए गए सवाल की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे पाकिस्तानी सीमा हैदर पर चल रही जांच कहां तक पहुंची। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। वाराणसी के सर्व सेवा संघ की याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज। 20 जुलाई से होगा शुरू संसद का मानसून सत्र, इस बार भी हंगामेदार रहने के आसार। एनडीए और इंडिया के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस और उसके गठबंधन पर बोला हमला। शाहजहांपुर के पूर्व सपा विधायक ने मौजूदा भाजपा विधायक से बताया जान का खतरा। बरेली में खुराफाती तत्वों ने फाड़े कांवड़ यात्रा के पोस्टर, करनी सेना हुई गरम, 3 गिरफ्तार। यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाए जाने के संकल्प को पूरा करने के लिए सीतापुर में सेंसिटाइजेशन का वर्कशॉप हुई आयोजित। लखीमपुर के कस्ता विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र को दी 2 हेल्थ एटीएम की सौगात। 1 अप्रैल से शुरू हुआ शिक्षा सत्र में आखिरकार 19 जुलाई को स्कूली बच्चों के लिए ड्रेस बैग और जूता मोजा की धनराशि जारी हो गई है। बुधवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मद में 2300 करोड़ रुपए डीबीटी के रूप में ट्रांसफर किए हैं। इसे लेकर लोकभवन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस धनराशि से बेसिक शिक्षा के 1,91,00,000 बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, जूता, मोजा और स्टेशनरी उपलब्ध कराई जाएगी। 1200 रुपए प्रति छात्र छात्रा के हिसाब से हर बच्चे के अभिभावक के बैंक अकाउंट में यह धनराशि भेजी जाएगी। सीतापुर जिले में करीब 5,60,000 छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि शिक्षक अपडेट होगा तो पूरी पीढ़ी अपडेट रहेगी। इसे देखते हुए शिक्षकों को अपडेट करने के लिए समय समय पर शिक्षण प्रशिक्षण और रिफ्रेशर कार्यक्रम आयोजित किया जाए। विवाहित बेटी मृतक आश्रित के रूप में नौकरी पाने की हकदार है या नहीं, इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने बेहद तल्ख टिप्पणी करते हुए याची को 2 माह में सेवा में लेने पर गौर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि विवाहित पुत्री भी मृतक आश्रित के रूप में नौकरी पाने की हकदार है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल ने नीमल देवी की याचिका पर दिया है। बता दें कि याचिकाकर्ता नीलम के पिता यूपी सहकारी ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड में सहायक शाखा अकाउंटेंट थे। 4 साल पहले उनकी मृत्यु होने के बाद विवाहित पुत्री नीलम ने मृतक आश्रित के रूप में नौकरी पाने के लिए आवेदन किया, जिसे बैंक के महाप्रबंधक ने नियमों का हवाला देकर खारिज कर दिया था। यह कहा गया था कि नियमानुसार अविवाहित पुत्री को ही मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मी की विवाहित पुत्री भी मृतक आश्रित के रूप में नौकरी पाने की हकदार है, इसमें उसकी वैवाहिक स्थिति मायने नहीं रखती है। हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस केस के साथ तथ्य बयां करते हैं कि अनुकंपा नियुक्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून की स्पष्ट योजना के बावजूद आखिर राज्य लैंगिक न्याय कार्य के प्रति अभी तक दयनीय कैसे रह सकता है। वाराणसी स्थित सर्व सेवा संघ को जमीन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जमीन मामले में सर्व सेवा संघ का दावा खारिज कर दिया है। बता दें, आजादी काल की धरोहर माने जाने वाले सर्व सेवा संघ भवन को लेकर वाराणसी की डीएम कोर्ट ने जमीन रेलवे की होने का फैसला लिया था। इसके बाद रेलवे ने भवन के ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया था। संघ से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट गया, वहां भी उनकी याचिका खारिज हो गई। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी संघ की याचिका खारिज हो गई है, जिसके बाद रेल प्रशासन भवन ध्वस्तीकरण की तैयारी में जुट गया है। अब बात होगी एक खुलासे की, जिसे सुनकर हर कोई सन्न है। मामला यूपी के मेरठ जिले का है। यहाँ हिंदू संगठनों ने गुल्लू इस्माइल नाम के एक शख्स को पकड़ा है, जो गुर्जर नाथ महाराज नाम रखकर एक मंदिर में पुजारी बना बैठा था। दौराला थाना क्षेत्र के मटौर गांव स्थित ओम शनि मंदिर में गुल्लू इस्माइल काफी समय से पुजारी बनकर रह रहा था। अचानक एक दिन उसका परिचित कृष्णपाल मटौर पहुंचा तो उसने पुजारी बने गुड्डू इस्माइल को पहचान लिया। सच्चाई जानते ही गांव वाले भड़क गए और उसे पीटने के बाद पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की जांच में आधार कार्ड पर गुल्लू इस्माइल का नाम मिला है। गुरुवार 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। पिछले सत्र की तरह यह सत्र भी हंगामेदार रहने की उम्मीद है। परंपरा के अनुसार इस सत्र को लेकर बुधवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। पहले यह बैठक मंगलवार को आयोजित होनी थी, लेकिन तब विपक्षी नेता बेंगलोर में और सत्तारूढ़ एनडीए के नेता दिल्ली में बैठक कर रहे थे, लिहाजा बैठक टल गई थी। इस बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा के नेता, सदन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक की। एक तरफ जहां सारे भाजपा विरोधी दल गठबंधन बना भाजपा को मात देने की तैयारी में जुटे हैं, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस प्रयासों के विपरीत विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से दूर रहने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा कि बीएसपी लोकसभा चुनाव और इसके पहले तीन राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी। मीडिया से बात करते हुए मायावती ने कहा कि विपक्षी दल सत्ता पाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। कांग्रेस अपने जैसी जातिवादी और पूंजीवादी ताकतों के साथ गठबंधन कर रही है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को एक मजबूर गठबंधन बताया है। मामला अपने को अनुशासित बताने वाली भाजपा का है, जहां पर केंद्रीय मंत्री के सामने ही विधायक और जिला अध्यक्ष आपस में तू-तू मैं-मैं पर उतर आए और एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। बात यूपी के चंदौली जिले की है। नगर के सिवाला क्षेत्र में केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में टिफिन भोज आयोजित किया गया था। इसमें केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे मुख्य अतिथि थे। बताते हैं कि पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं ने तो मंत्री का स्वागत किया, लेकिन नगर से विधायक रमेश जायसवाल को स्वागत का मौका नहीं मिला तो विधायक नाराज होकर कार्यक्रम से जाने लगे। जब उन्हें रोका गया तो विधायक और भाजपा जिला अध्यक्ष अभिमन्यु से के बीच बहस हो गई। विधायक ने कहा, आपने पार्टी का नाश कर दिया है। इस पर जिला अध्यक्ष ने कहा, आंख मत दिखाइए, किसी तरह केंद्रीय मंत्री ने मामला संभाला। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुसलमानों की ओर से आ रही विरोधी प्रक्रियाओं के बीच भाजपा के यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा, यूसीसी ना तो शरीयत के खिलाफ है और ना ही मुसलमानों के कुछ पार्टियों सिर्फ भड़काने के काम करती है। उन्होंने कहा कि सपा हो या कांग्रेस, सभी पार्टियों ने सिर्फ कोर्ट के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। उनको शिक्षित नहीं होने दिया, उनकी इमेज दंगाई की बना दी गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यूसीसी का बिल अभी नहीं आया है, इस पर राय मांगी जा रही है, पर मुसलमान अभी से विरोध करने लगे हैं, जबकि ना तो मुसलमानों को इससे डरना चाहिए और ना ही यह बिल उनको डराने के लिए लाया जा रहा है। पवित्र सावन के महीने में पूरे उल्लास के साथ कांवड़ यात्रा चल रही। कई जगह पर हिंदुओं के साथ मुसलमान भी इन कांवड़ यात्रियों का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। वहीं बरेली से माहौल खराब करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर मुस्लिम समुदाय के कुछ खुराफाती तत्वों ने बड़ी बिहार बीडीए कॉलोनी में लगे कांवड़ यात्रा के पोस्टर फाड़ दिए और उन पर पेशाब कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसकी जानकारी मिलते ही करनी सेना के बरेली जिला अध्यक्ष ठाकुर राहुल सिंह ने अन्य पदाधिकारियों के साथ इज्जत नगर थाना पहुंचकर 3 आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके नाम चमन, मुनीर और फैजल बताए गए हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, बताई जा रही है। यूपी की योगी सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की नीति पर चल रही है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में स्थित पौराणिक ऐतिहासिक स्थलों, हेरिटेज बिल्डिंगों, किलों को विकसित करने के लिए 25% सब्सिडी देने की तैयारी की है। यह बात यूपी के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने प्रतापगढ़ में मीडिया से मुखातिब होते हुए कही। पर्यटन मंत्री यहां पर काला कांकर रियासत के राजा और पूर्व प्रदेश मंत्री स्वर्गीय दिनेश प्रताप सिंह के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे।
मंत्री का यहां पहुंचने पर वरिष्ठ भाजपा नेत्री, पूर्व सांसद और काला कांकर रियासत की राजकुमारी रत्ना सिंह ने स्वागत किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री ने गंगा तट पर गंगा आरती और पूजन भी किया। पूरे देश में मुस्लिम समाज किस राजनीतिक दल के साथ है, इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। विपक्षी दल तो मुस्लिम समाज को ध्यान में रखते हुए अपनी चुनावी रणनीति बना ही रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा भी पसमांदा मुस्लिम समाज पर दांव लगा रही है। इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने एक बयान जारी कर कांग्रेस और उसके गठबंधन पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों की बंगलौर बैठक पर मौलाना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के तमाम लीडर अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। इनको मुसलमानों के मसायल में से कोई मतलब नहीं है। ये लोग 20% मुसलमानों का एक तरफा वोट चाहते हैं। मौलाना ने सवाल पूछा कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कांग्रेस उसका गठबंधन मुसलमानों के साथ खड़ा है या भारत सरकार के साथ। पहले गठबंधन इस पर अपना नजरिया साफ करे। शाहजहांपुर के तिलहर के पूर्व सपा विधायक रोशन लाल वर्मा ने तिलहर की मौजूदा भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। रोशन लाल वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि मुझे भाजपा विधायक से जान का खतरा है। चुनाव हारने के बाद से मेरे ऊपर अब तक दर्जनों मुकदमे लगवाए जा चुके हैं। रोशन लाल वर्मा के आरोपों पर भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा ने सफाई देते हुए आरोपों को नकारते हुए कहा कि सोची समझी राजनीति के तहत मुझे बदनाम किया जा रहा है। उधर शाहजहांपुर SP AK मीरा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अब बात मौजूदा वक्त के बेहद चर्चित सीमा हैदर और सचिन का लव स्टोरी पर बैठे जांच के पहरे की। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पाकिस्तानी सीमा हैदर मामले में बड़े खुलासे किए हैं। एजेंसियों का कहना है कि सीमा किसी तीसरे व्यक्ति की मदद से पूरी तैयारी के साथ भारतीय सीमा में दाखिल हुई थी। उसने जांच एजेंसियों से बचने के लिए पेशेवर लोगों की मदद से अपना ड्रेसअप और मेकअप इस तरीके से किया था कि भारत की कोई ग्रामीण महिला लगे। ऐसे ही नहीं, उसने अपने बच्चों को भी तैयार किया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक कुछ ऐसा ही तरीका जिस्म फरोसी रैकेट में शामिल महिलाएं भारत नेपाल सीमा पर पार करने के लिए अपनाती हैं। सीमा की भाषा और बोलचाल को लेकर जांच एजेंसियों का कहना है कि सीमा जिस धारा प्रवाह तरीके से बात कर रही है, ऐसी ट्रेनिंग नेपाल में मौजूद पाकिस्तानी हैंडलर द्वारा उन महिलाओं को दी जाती है जिन्हें गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नेपाल बॉर्डर पार कराकर भारत भेजा जाता है। उधर सीमा हैदर और सचिन को लेकर UP ATS की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच में अब तक सीमा हैदर के पास 4 मोबाइल और नेपाल कनेक्शन की अहम जानकारी मिली है। साथ ही सीमा और सचिन का एक YouTube चैनल होने का भी पता चला है जिसमें करीब 7,000 फॉलोवर हैं। यह भी पता चला है कि सीमा पाकिस्तान का सिम नेपाल तक लाई और फिर उसको वहीं छोड़ दिया। सीमा हैदर, सचिन और मुरादाबाद के अजय तथा बांग्लादेशी जूली को लेकर सपा के मुरादाबाद से सांसद ST हसन ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सांसद ने पूछा है कि पाकिस्तान से एक महिला भारत में दाखिल हो गई और बांग्लादेश की एक महिला मुरादाबाद में एक साल गैर कानूनी ढंग से रहती है। इसके बाद मुरादाबाद का अजय उसके साथ अवैध तरीके से बांग्लादेश चला गया। ऐसे में देश की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं? सांसद ने इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों पर और सरकार पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है यह सरकार की जिम्मेदारी है। सांसद ने कहा अजय को सही सलामत हिंदुस्तान लाया जाए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। अब खबरें जनपद सीतापुर से। संयुक्त मोर्चा के दिल्ली अधिवेशन में सरकार से मानसून सत्र में रोजगार अधिकार विधेयक लाने की मांग की गई। इस कार्यक्रम से सीतापुर लौटे प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पांडे ने बताया कि रोजगार अधिकार के लिए 113 युवा संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया है। दिल्ली में मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में केंद्र सरकार से रोजगार अधिकार विधेयक लाने और 1 करोड़ रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। इसमें यह भी तय किया गया है कि युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित करने के लिए देश भर में युवा महापंचायतें आयोजित की जाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किए गए BA तथा MA का परीक्षा फल में सीतापुर के RMP महाविद्यालय के कई छात्रों ने सफलता का परचम लहराया है। MA राजनीति विज्ञान के प्रथम वर्ष की छात्रा संगम यादव ने इस परीक्षा में 78% और इरम सलीम में 77% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं MA हिंदी प्रथम वर्ष की छात्रा साक्षी वर्मा ने 76% अंक प्राप्त किए हैं। BA की छात्रा श्रुति गुप्ता ने 81%, अरविंद कुमार ने 80%, प्रांजलि पलक अवस्थी और अस्मिता प्रजापति ने 79%, संचित ने 78% और रोहित वर्मा 77% अंक प्राप्त किए हैं। इस बेहतर परीक्षा परिणाम पर खुशी जताते हुए प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने सभी मेधावियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल विजय लक्ष्मी नगर, स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखीमपुर रोड सीतापुर, एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एनसीसी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ब्लेस्ड बाय हॉनरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स, स्कूल सिनेमा, अल्ट्रा मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट, डिजिटल क्लासरूम्स। स्टडीवेल ग्रुप प्रेजेंट्स आईटीआई एंड फार्मेसी कॉलेज। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज विजय लक्ष्मी नगर सीतापुर क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन। आवर इंटरमीडिएट टॉपर वेंकटेश मौर्य गॉट फर्स्ट रैंक इन सिटी एंड नाइन्थ रैंक इन डिस्ट्रिक्ट। आवर हाई स्कूल टॉपर इजरा आजमी गॉट थर्ड रैंक इन सिटी। आवर थ्री स्टूडेंट्स अंकित कुमार विश्वकर्मा, हिमांशु मिश्रा एंड विकास आनंद गौतम गॉट सेलेक्टेड इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2023-2024। आवर अदर इंस्टीट्यूशन इज शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. यूपी को $1 trillion बनाए जाने के संकल्प को पूरा करने के लिए शासन द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में सीतापुर में सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अनु सिंह ने की। इस वर्कशॉप में व्यापार मंडल के पदाधिकारी, उद्योग बंधु, मेडिकल एसोसिएशन, एम्बुलेंस एसोसिएशन, होटल रेस्टोरेंट पदाधिकारी, केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन, प्लाईवुड एसोसिएशन, सुगर मिल एसोसिएशन और भारतीय मजदूर संघ सहित अन्य एसोसिएशन द्वारा भाग लिया गया है। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा $1 trillion अर्थव्यवस्था बनाने के लिए राष्ट्र निर्माण में योगदान की दिशा में जानकारी दी गई। डीएम ने सभी कारखानों, दुकानों, छोटे व्यवसाय, स्वास्थ्य क्लब, शिक्षण संस्थान, कानूनी और परिवहन संगठन को पंजीकृत कराए जाने की अपील की है। सहायक निदेशक कारखाना ने सभी संगठनों से पंजीकरण अवश्य कराने की अपील की है। इस कार्यशाला में CDO अक्षत वर्मा, CMO डॉक्टर हरपाल सिंह, उद्योग उपायुक्त आशीष गुप्ता, उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या लखनऊ दिनेश कुमार सिंह, सहायक श्रमायुक्त, सहायक निदेशक कारखाना, खाद्य सुरक्षा और ग्राम उद्योग अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। सीतापुर में किसान दिवस के अवसर पर DDO हरिश्चंद्र प्रजापति द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में DDO ने किसानों को सहजन को प्रकृति का अनुपम वरदान बताते हुए इसके महत्व के बारे में बताया। इस दौरान उप कृषि निदेशक ने किसानों को मोटे अनाजों के बारे में बताते हुए मोटे अनाजों की खेती का महत्व देने की अपील की है। बैठक के बाद DDO द्वारा किसानों को सहजन के पौधे वितरित किए गए। इस बैठक में जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार और वरिष्ठ मंडी निरीक्षक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के पैतेपुर नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला फील खाना में पानी का पाइपलाइन करीब 15 दिनों से टूटा पड़ा हुआ है, जिसमें एक और पानी की बर्बादी हो रही, दूसरी ओर लोगों को आने जाने में दिक्कतें भी हो रही हैं। बुधवार को नगर पंचायत की ओर से इस पाइपलाइन को सही करा दिया गया है, इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। सीतापुर के बिस्वा में शांति देवी मानव सेवा समिति के पदाधिकारियों ने CSC में भर्ती और OPD में आए मरीजों को पौष्टिक पेय पदार्थों का वितरण किया। इस मौके पर समिति प्रबंधक और भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला ने कहा कि यह शांति देवी मानव सेवा समिति का एक कदम मानवता की ओर से जैसे संकल्प के साथ है। इस अवसर पर डॉक्टर कैलाश चंद, डॉक्टर दीपक यादव, डॉक्टर कामरान, नेत्र परीक्षक वीरेंद्र कुमार मधुकर, फार्मासिस्ट सत्येंद्र कुमार, कुसुम देवी, खुशबू आदि मौजूद रहे। सीतापुर से सटे लखनऊ के बक्सी तालाब स्थित SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में टेक पेयल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ 3 साल का अनुबंध किया गया। इसके अनुसार SR ग्रुप के BTEC व MBA के छात्र छात्राओं को समर इंटर्नशिप और 6 महीने के विशिष्ट विषय पर तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान चेयरमैन और सीतापुर MLC पवन सिंह चौहान ने बताया कि इस व्यवस्था से आने वाली बहुउद्देशीय कंपनियों में बच्चों के चयन में सहयोग किया जा सकेगा। इस दौरान संस्थान निदेशक DP सिंह व अन्य मौजूद रहे। राजकीय ITI गोंदलामऊ की प्रधानाचार्य बबीता राज ने बताया कि कार ड्राइविंग के अगस्त से अक्टूबर 3 माह के सत्र में प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों की बिक्री और जमा का कार्य 31 जुलाई तक किया जाएगा। केवल सीतापुर जिले के निवासी ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में ITI कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सीतापुर जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा मां कमला देवी श्री पीताम्बरा पीठ विद्यापीठ शिक्षा समिति और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के संयुक्त तत्वाधान में
31 जुलाई को सुबह 10 बजे से एक दिवसीय वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि इस मेले में निजी क्षेत्र की तमाम प्रतिष्ठित कंपनी को आमंत्रित किया गया है। इसमें हाईस्कूल इंटर स्नातक ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो उनका चयन 10,000 से 25,000 तक के वेतनमान वाले पदों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में प्रतिभाग करने के लिए सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। अधिक जानकारी लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला सेवा योजन कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सामाजिक संस्था हमरा एक्स कैडेट NCC सेवा संस्थान द्वारा सिधौली के क्षेत्र अटरिया स्थित एक विद्यालय में नशा मुक्ति पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर संस्थान सचिव ज्ञानेश पाल धनगढ़ ने छात्रों को स्वयं नशे से दूर रहने के साथ साथ समाज को नशा मुक्त बनाने का संकल्प दिलाया। इस दौरान विद्यालय के चेयरमैन यतीन्द्रनाथ धनगढ़, प्रधानाचार्य शैल कुमारी, मनीषा गौड़, SL गिरी, सुधा देवी, सुषमा हिमांशी, सचिन और प्रगत आदि शिक्षक तथा छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सीतापुर की जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने कार्यालय स्तर पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति के गठन को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला अधिकारी का आदेश होने के बाद भी कई कार्यालयों में अभी तक समिति का गठन नहीं किया गया है। प्रिया पटेल ने बताया कि ऐसा करना जिलाधिकारी के ही नहीं शासन के भी आदेश का उल्लंघन है। सीतापुर के मिश्रिक तहसील के अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय बीबीपुर में 8 छात्र छात्राएं अजीब सी बीमारी की चपेट में पाए गए हैं। इसके बाद यहां अध्ययनरत बच्चों के अभिभावक में हड़कंप जैसी स्थिति बन गई है। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग टीम ने बच्चों का परीक्षण कर दवाई वितरित की। स्वास्थ्य परीक्षण में छात्र निर्मल मासूम और छात्रा जोया, प्रियंका, महिमा, फलक, जासमीन और सुमैया बीमार पाए गए हैं। अब तक 8 छात्र छात्राएं उस बीमारी की गिरफ्त में आ चुके हैं। इन सभी छात्र छात्राओं में एक जैसे लक्षण देखने को मिले हैं। सभी बच्चों ने हाथों में सूजन, शरीर पर दाने, खुजली और बुखार से पीड़ित होने की बात कही। कुछ बच्चों के हाथों में सूजन होने के कारण उनकी उंगली टेढ़ी पड़ गई है। मिश्रिक CHC से पहुंची स्वास्थ्य टीम के डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने बताया कि बच्चों को एलर्जी हुई है। इस मौसम में नमी और गंदगी के कारण ऐसा हो जाता है। बच्चों को दवाएं दे दी गई हैं। सीतापुर के मिश्रिक ब्लॉक के अंतर्गत लखनापुर के मजरा बीबीपुर में जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते प्रमुख मार्ग पर कीचड़ और जलभराव बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या है कि इस मार्ग पर दोनों किनारों की तरफ इंटरलॉकिंग करा दी गई, लेकिन बीच के हिस्से को खाली छोड़ दिया गया है, जिससे बीच के हिस्से में कीचड़ और जलभराव बना हुआ है। कसमंडा ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन नागेश्वर नाग धाम मंदिर में कसमंडा क्षेत्र की कांवरियों का बड़ा जत्था प्रधान महोली धर्मेंद्र सिंह की अगुवाई में हरदोई जिला के अंतर्गत गंगा नदी के राजघाट पर कांवड़ भरने के लिए रवाना हुआ। इन कांवड़ यात्रियों में पूरेन सिंह, टिल्लू मिश्रा, संतोष राठौर और प्रकाश सहित तमाम लोग शामिल हैं। कांवड़ यात्रियों की राजघाट दौरानगी के दौरान कमलापुर थानाध्यक्ष सतीश चंद, SSI शिवप्रसाद पांडे और कमलापुर चौकी इंचार्ज अतुल शुक्ला दलबल सहित मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर के मितौली और बहजम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपनी विधायक निधि से लगवाए गए हेल्थ ATM का कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू ने उद्घाटन किया। इन हेल्थ ATM के चालू होने से मरीजों को 98 जांचों का फायदा मिलेगा। उद्घाटन अवसर पर कस्ता विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम कर रही है। यह दोनों हेल्थ ATM स्थानीय जनता के साथ साथ आसपास के आम लोगों को भी सुविधा प्रदान करेगी। लखीमपुर के सिंगाही के अंतर्गत राजस्व ग्राम भरौड़ा में चारागाह की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को खाली करा दिया गया है। इसके लिए बुधवार को राजस्व टीम और नगर पंचायत की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस जमीन पर ग्रामीणों ने पिछले कई साल से अवैध कब्जा कर रखा था। जनता काफी समय से अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग कर रही थी। SDM से आदेश जारी होने के बाद जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करा दिया गया है। स्थानीय लेखपाल जगदीश प्रसाद ने बताया कि SDM राजेश कुमार के निर्देश पर कई दिन पहले ही अवैध कब्जा धारकों को चारागाह की भूमि खाली कराने की चेतावनी दे दी गई थी, जिस पर भूमि नहीं खाली की गई तो उसे कब्जे से मुक्त करा दिया गया है। अब इस भूमि का उपयोग गौशाला बनाने और पशुओं को चारा बोने के लिए किया जाएगा। लखीमपुर के मैगलगंज कस्बा स्थित सिद्धेश्वरी देवी आश्रम में भाजपा द्वारा टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। धौरहरा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित मितौली और मैगलगंज मंडल के तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक का आयोजन मैगलगंज मंडल के भाजपा प्रभारी श्याम किशोर तिवारी द्वारा किया गया। इस बैठक में नीरज गुप्ता, अंकुर तिवारी, आलोक शुक्ला, सतनाम सिंह, कमल बिहारी गुप्ता, संजीव मिश्रा, छोटे प्रधान और संजीव गुप्ता गुड्डू सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र से एमएलसी इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह ने अपनी निधि से एक विद्यालय के कायाकल्प का सराहनीय कार्य किया है। इससे लखीमपुर के बहजम ब्लॉक स्थित इंग्लिश मीडियम में संचालित प्राथमिक विद्यालय रतसिया की व्यवस्थाएं बेहतर हो सकेंगी। एमएलसी ने बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर मद में 40,000 रुपए दिए हैं। सहयोग के लिए विद्यालय परिवार सहित तमाम अभिभावकों ने भी एमएलसी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बेसिक के बच्चों की ड्रेस बैग आदि के लिए डीबीटी से धनराशि जारी करने के कार्यक्रम का लखीमपुर कलेक्ट्रेट में सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह, डैट प्राचार्य ब्रजभूषण चौधरी, डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी आदि मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लखीमपुर में चल रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा में चेकिंग के दौरान ईसा नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सिसैया धौरहरा मार्ग से चोरी की 2 बाइकों सहित 4 ऑटो लिफ्टरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सिसैया धौरहरा मार्ग पर ईसा नगर कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह, एसआई इंसाफ अली, संजय सिंह, प्रभात कुमार और आरक्षी वतन त्यागी तथा रोहित कुमार के साथ चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान 2 बाइक पर सवार 4 लोगों से बाइक के कागज मांगे गए तो वह नहीं दिखा सके। तलाशी के दौरान पुलिस ने पकड़ा लोगों से 3,300 रुपये की नकदी भी बरामद की। पुलिस ने पकड़े गए ऑटो लिफ्टर ग्रंटपुरवा निवासी संजय वर्मा, बारिन टोला निवासी सेरू बहना, बाजार वार्ड निवासी विक्रम जायसवाल और अंकित जायसवाल को लिखा पढ़ी कर जेल भेज दिया है। लखीमपुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रक, बस, टैक्सी, ई रिक्शा और रोडवेज के चालकों का नेत्र परीक्षण किया गया। एआरटीओ आलोक कुमार ने कहा कि सुरक्षित सुगम यातायात के लिए सभी वाहन चालक समय समय पर अपना नेत्र परीक्षण कराएं। आवश्यकता हो तो चश्मे का प्रयोग करें। इस शिविर में रोडवेज के एआरएम मुकेश मेहरोत्रा, संभागीय निरीक्षक पंकज सहित तमाम लोग मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन।